हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सुमेधा हिंदी पाठ्यपुस्तक, इसका पाठ 6, ग्रामीण जीवन। यह पाठ एक पत्र के रूप में है जिसे हिमांशु ने अपने मित्र दीपांशु को लिखा है। इसमें वह बताता है कि गर्मी की छुट्टियों में वह अपने दादा दादी के पास गांव चला गया था और वहाँ उसका इतना मन लग गया था कि वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। ग्राम्य जीवन की, यहाँ पर ग्राम्य का मतलब है गांव का, गांव के जीवन की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। वास्तव में गांधी जी का यह कथन भारत गांव में बसता है बिल्कुल सच है, और मैंने भी यही अनुभव किया, यानी कि अनुभव मीन्स महसूस किया। गांव के लोग बड़े ही सीधे साधे होते हैं, वह शहरी लोगों की तरह दिखावटी जीवन नहीं जीते। वह जैसा खाने को मिलता है वैसा ही रूखा सूखा खा लेते हैं और पैसा व्यर्थ में व्यय नहीं करते। व्यय का मतलब यहाँ खर्च करना होता है। वह सस्ता और मोटा कपड़ा पहनते हैं। यहाँ के लोग जल्दी उठ जाते हैं, सूर्योदय से पहले यानी कि सूरज के उगने से पहले उठ जाते हैं और खेतों में मेहनत करते हैं। गांव में हिमांशु भी सुबह जल्दी उठ जाता था और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर, निवृत्त का अर्थ यहाँ पर है पूरा करके या निपटाकर, दूध पीता था और फिर खेतों में चला जाता था। सुबह का मौसम यहाँ बहुत ही सुहावना होता है। सुहावना कैसा होता है? अच्छा, मन को भाने वाला। चिड़िया बोलती हैं, नदियों के कलकल के स्वर की आवाज आती है और हर जगह हरियाली ही हरियाली होती है। यहाँ पर शहरों की तरह चिमनियों से निकलने वाला धुआं नहीं होता। गांव में घर भी बहुत ही सीधे साधे होते हैं, शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। यहाँ के घर लेखक को बड़े ही अच्छे लगते हैं और वह बताता है कि गांव में जो किसान होते हैं वह हमारे लिए दिन रात मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं। कुछ यहाँ पर गलत प्रथाएं भी हैं, जैसे किसान ज़्यादा भोले भाले होते हैं और पढ़ाई उनको नहीं आती है ज़्यादा, जिस वजह से यहाँ के जो महाजन होते हैं वो उनका शोषण करते हैं। गांव में अस्पताल और विद्यालय भी कम होते हैं। इन्हीं कमियों की वजह से गांव के लोग आजकल शहर की तरफ जाकर अपना नौकरी वगैरह ढूंढते हैं। गांव की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन द्रवित हो उठता है। द्रवित का यहाँ अभिप्राय है भावुक होना, उसको बड़ी दया आती है और वह प्रण लेता है कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और गांव में एक क्लिनिक खोलेगा जिसमें वह बीमार लोगों की सेवा करेगा। इसके बाद वह पत्र को ख़त्म करता है और अपने चाचा चाची जी को प्रणाम करने के लिए कहता है। यह पाठ यहीं समाप्त होता है। सभी बच्चों को इस पाठ के शब्दार्थ लिखने हैं और बुक वर्क बुक में ही करना है, प्रश्न उत्तर ढूंढने का प्रयास करना है।